हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम मोमेंट चावला। आज के वीडियो में मैं ऐसे चार प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूं जो अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं और अभी से अप्रैल तक में लॉन्च होने वाले हैं। ऐसे बेसिकली चार प्लॉट्स के प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा जो लॉन्च एक तो लॉन्च हो चुका है और बाकी तीन इन पाइपलाइन है जो कि अप्रैल तक में इसी साल अप्रैल तक में लॉन्च होने की उम्मीद है और लॉन्च हो जाने चाहिए। पहला जो प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ है वो अमरावती ग्रुप का है जो कि बहुत टाइम से एक्सपेक्टेड था, लगभग एक साल से एक्सपेक्टेड था कि बस लॉन्च कभी भी हो सकता है, लेकिन टलते कुछ रीजंस की वजह से ये प्रोजेक्ट अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है जनवरी में। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, 200 एकर्स का ये प्रोजेक्ट है, फेजेस में आएगा और ये प्रोजेक्ट काफी टाइम मतलब लगभग 7-8 साल 10 साल का टाइम लगेगा पूरे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। तो इसमें एंड यूजर्स स्पेसिफिक ज्यादा चीजें हैं कंपेयर टू इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर्स या तो वो जो काफी लंबे टाइम के लिए आ रहे हैं क्योंकि गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 में इसका लोकेशन रहेगा और जो एंड यूजर्स हैं उनको आसपास में मॉल्स मिल रहे हैं, उनको कनेक्टिविटी उनके लिए बहुत स्ट्रांग है और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास में आ चुका है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं उस एरिया में, IIIT भी वहीं पे है, तो काफी HCL का ITSEZ है, पलासियो, वॉलमार्ट, लूलू भी आ जाएगा आने वाले टाइम में। वॉलमार्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल है, शहीद पथ से कनेक्टिविटी, सुल्तानपुर रोड से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो एंड यूजर्स के लिए तो डेफिनेटली जब भी पोजीशन मिलता है, स्पेशली वो कस्टमर्स या वो एंड यूजर्स जो 5 साल 7 साल 8 साल बाद लखनऊ में आने का प्लान कर रहे हैं लेकिन अभी एक जगह लेके छोड़ देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट होगा। और इन्वेस्टर्स के लिए काफी लंबा टाइम लग जाएगा रिटर्न्स आने में क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे ऑलरेडी पेंटेल भी है और भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अंसल के फेज 1 में भी है, हमारे MGF का गोमती ग्रीन्स भी है, तो प्लॉट के ऑप्शंस बहुत सारे ऐसे अवेलेबल है जिसपे आज ही हम रजिस्ट्री करा के कस्टमर्स इन्वेस्टर्स छोड़ सकते हैं और अच्छा प्राइस पॉइंट मिल जाएगा 3 से 4 साल में इसमें, क्योंकि बनता रहेगा, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन रहने वाला है अगले कुछ सालों के लिए, तो इसीलिए इन्वेस्टर्स को मुझे नहीं लगता बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। एंड यूजर्स डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, मोर ऑफ एंड यूजर प्रोजेक्ट है रेदर देन इन्वेस्टर, और वो स्पेशली वो एंड यूजर्स या वो इन्वेस्टर्स जो लंबे टाइम के लिए आना चाह रहे हैं, जिनको 2 साल 3 साल में शिफ्ट होने का प्रॉब्लम नहीं है, या वो इन्वेस्टर जो 3 साल में ही रिटर्न देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी लुक्रेटिव डील नहीं है। ये लॉन्च हो चुका है, इसका रेरा नंबर आ चुका है, LD अप्रूवल आ चुका है और बैंक के जो अप्रूवल्स हैं वो पेंडिंग है। जो रेट आएगा वो लगभग 4 से 4,500 रुपए स्क्वायर फुट के आसपास का रेट आएगा और विलास के जो ऑप्शन है वो लगभग 1.5 करोड़ से शुरू होकर 2.5 करोड़ या 3 करोड़ की रेंज में जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया ये प्रोजेक्ट फेजेस में आएगा तो इसमें अपार्टमेंट भी है, इसमें मॉल भी है, ये मिक्स लैंड यूज है, सिर्फ प्लॉट्स विलास नहीं है, एक तरीके से पूरी टाउनशिप है जो बनती रहेगी और टाइम लगेगा सारी चीजों को पूरा एक साथ डेवलप होने में, लेकिन अभी कंपनी विलास और प्लॉट्स के साथ स्टार्ट करेगी। अभी जो सेकंड प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं जो अगेन एक एंड यूजर सेंट्रिक प्रोजेक्ट है वो है पार्डॉस ग्रुप का, ऑलरेडी ओकास रेजिडेंसी सुशांत गोल सिटी में एक प्रोजेक्ट चल रहा है अपार्टमेंट का, उसी कंपनी का उसी ग्रुप का एक सेकंड प्रोजेक्ट आ रहा है तुलसियानी गोल्फ्यू फ्लैट्स के एडजेसेंट में उसी लोकेशन पे, मोटा मोटी बता रहा हूँ, तुलसियानी गोल्फ्यू फ्लैट्स से एडजेसेंट पे अगर आप देखोगे तो कुछ डेवलपमेंट सा चल रहा है, एक तरफ गोल्फ कोर्स है या अंसल के गोल्फ विलास है, उसके ठीक सामने तुलसियानी के फ्लैट बने हुए गोल्फ्यू फ्लैट्स, उसके एडजेसेंट में ये प्रोजेक्ट है। 2 फेजेस में आएगा ये, 6.5 एकड़ में पहला फेज, फिर 17-18 एकड़ में दूसरा फेज, इसमें प्लॉट्स के ऑप्शन है और जो कंपनी ने रेट लॉन्च किया है वो लगभग 4,400 रुपीज पर स्क्वायर फुट का आता है और जो ऑफिशियल लॉन्च आएगा वो लगभग 46-47 तक मेरे ख्याल से आएगा। अभी कंपनी कोई बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करी है क्योंकि रेरा नहीं आया है, कोई प्रमोशन स्टार्ट नहीं किए गए हैं, तो ऑफिशियली वेट हो रहा है, रेरा नंबर जैसे ही आ जाएगा कंपनी अपने प्रमोशन और सेल स्टार्ट कर देगी। ये प्रोजेक्ट भी मोर ऑफ अ एंड यूजर प्रोजेक्ट है क्योंकि इन्वेस्टर्स को कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला, जो लोग ये बोल के देंगे कि एक साल में अच्छा रिटर्न मिल जाएगा क्योंकि स्टेलर में मिल गया, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं इसको स्टेलर फेज 2 नाम से, इस प्रोजेक्ट का स्टेलर कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, स्टेलर प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये ऑल टुगेदर एक अलग कंपनी है, अलग प्रोजेक्ट है और ये रिटर्न नहीं मिलेगा मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ऑलरेडी ये 20% या 25% महंगा है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये 4,400-4,500 रुपीज पर स्क्वायर फुट के रेट में आ रहा है, ये 3,500-3,600 रुपए से ऊपर का एरिया नहीं है, ये लोकेशन में बहुत ज्यादा दम नहीं है, मैंने पर्सनली जाके लोकेशन को देखा है, पीछे की तरफ में पूरा एक डंपिंग यार्ड सा है और लोकेशन डेवलप होने में काफी टाइम लग जाएगा, रेलवे ट्रैक भी ठीक पीछे की तरफ ही आ रहा है,
तो इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसी रेट में अंसल में आगे की तरफ बिल्कुल पॉकेट बी, लुलू मॉल के पास में एंट्री पे सुशांत गोल्ड सिटी में पॉकेट ए में पॉकेट बी में प्लॉट्स के ऑप्शन अभी भी मिल जाते हैं। MRMJ गोमती ग्रीन जो कि बहुत खूबसूरत टाउनशिप है, उसमें भी अभी इसी रेट पे प्राइस पॉइंट पे अच्छे प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इतना पीछे आके लेने की क्या जरूरत है ऐसी लोकेशन पे, वो भी इस प्राइस पॉइंट पे। तो ये भी उन लोगों के लिए है जो 7 एकड़ का एक एंड यूजर ढूंढ रहे हैं, 7 एकड़ का पैच है, 12 महीने में या 13 महीने में रजिस्ट्री हो जाएंगे, उसके बाद अपना मकान बना के रह सकते हैं, गेटेड कैंपस है, तो एंड यूजर्स के लिए ठीक है जो 1.5 साल में अपना शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं इसमें। और अमरावती में बस यही डिफरेंस है कि यहाँ 1.5 साल में आप अपना घर बनाना शुरू कर सकते हैं, वहां पे लगभग अभी 4-5 साल का टाइम लग जाएगा ये सारा चीजें स्टार्ट होने में। तो जो एंड यूजर्स लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं और लोकेशन पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे तो वो अमरावती में जा सकते हैं। जो थोड़ा बहुत लोकेशन, क्योंकि लोकेशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है इस प्राइस पॉइंट को कंसिडर करते हुए, लेकिन फिर भी एक जल्दी जाना चाह रहे हैं जिनको 1.5-2 साल में उसी लोकेशन पे आना है, उनको ये प्रोजेक्ट सूट करेगा। तो ये एक और एंड यूजर सेंट्रिक प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे नहीं लगता इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न मिल पाएंगे। ये तो हो गए दो प्रोजेक्ट। अच्छा, इसमें बात कर लेते हैं कि ओकास वाले प्रोजेक्ट में जो अभी आएगा इसमें जो प्लॉट के ऑप्शन है वो 1200 स्क्वायर फुट से 1500-1600 स्क्वायर फुट तक के साइज में जाएंगे। स्टार्टिंग है कुछ 60 लाख रुपीज से और 85-90 लाख रुपीज तक के ऑप्शन है, विला का कोई ऑप्शन नहीं है। फेज टू जो है इसी प्रोजेक्ट का 17-18 एकड़ के साइज में है जिसमें प्लॉट्स के भी ऑप्शन है, शायद कंपनी विलास भी ला सकती है, अभी कुछ प्लानिंग स्टेज में है, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, और इंडिपेंडेंट फ्लोर के भी ऑप्शंस आ सकते हैं जिसमें 3 फ्लोर का या 4 फ्लोर की हाइट पे इंडिपेंडेंट फ्लोर होगा, 1 फ्लोर पे 1 यूनिट। बात करते हैं दो और प्रोजेक्ट जो अप्रैल तक लॉन्च होने हैं। एक तो आवास विकास, जो कि मैं सबको बता चुका हूं न्यू जेल रोड पे आना है, ये मोर ऑफ अ इन्वेस्टर प्रोजेक्ट है और उस हर उस एंड यूजर के लिए जो लखनऊ में 8-9 साल बाद प्लान कर रहे हैं और अभी से इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देंगे। और अगर लॉटरी सिस्टम, क्योंकि ये बाकी के 3 प्रोजेक्ट या जो 2 प्रोजेक्ट बताए और तीसरा भी बताऊंगा, इन तीनों प्रोजेक्ट में फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे अलॉटमेंट है, लॉटरी का प्रॉब्लम नहीं है। आवास विकास में लॉटरी होगी तो लॉटरी में जिसका नाम निकलेगा, जिसकी किस्मत अच्छी होगी उन्हीं लोगों को मिलेगा, सबको फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे अलॉटमेंट नहीं है इस प्रोजेक्ट में। इसमें प्लॉट्स के ऑप्शन लगभग 2100 रुपए पर स्क्वायर फुट से शुरू होगा और जो प्लॉट के साइज आएंगे वो 1200 स्क्वायर फुट से लेकर 2000 स्क्वायर फुट तक के साइज में जाएंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है न्यू जेल रोड पे है, सुल्तानपुर रोड से रायबरेली रोड के बीच में, गोसाईगंज से मोहनलालगंज के बीच में एक नई रोड बनी है जहां पे जेल है, लखनऊ का जेल शिफ्ट हुआ है, वहीं न्यू जेल रोड उसको कहते हैं, उसी पे जेल के सामने की तरफ ये पूरा प्रोजेक्ट आना है। वहीं पे और भी आवास विकास के कुछ डेवलपमेंट प्रपोज है और आवास विकास का डेवलपमेंट काफी मतलब एक बढ़िया वही अपना डेवलपमेंट करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, बहुत चौड़ी रोड्स रहती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया डेवलप करते हैं। तो ये टाउनशिप जब भी बनेगी एक अच्छी टाउनशिप बनेगी और 100% रिटर्न इसमें लगभग 2 टाइम्स तो होने का चांस दिखता है 7-8 साल में या 5-6 साल में, अगर जिनका भी लॉटरी में निकल आता है। और अगर प्लॉट का कॉस्ट सपोज 1200 स्क्वायर फुट का कॉस्ट 25-26 लाख-27 लाख तक होगा तो डेफिनेटली मुझे लगता है 45 से 50 के बीच में एक्सपेक्टेशन है, 4-5 साल में रिटर्न इतने तो मिल ही जाएंगे। तो ये प्योर मोर ऑफ अ इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है क्योंकि रहने के लिए इस लोकेशन पे बहुत टाइम लगेगा, बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल्स, बेसिक ग्रोसरी मार्केट, बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें, बैंक, एटीएम, इन सबको आने में उस लोकेशन में टाइम लगने वाला है। तो ये मोर ऑफ अ इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है जो लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टर्स सेफेस्ट ऑप्शन में जाना चाहते हैं। प्रोजेक्ट जो है वो लाला जुगल किशोर कंपनी का है और ये बिजनौर रोड पे आना है। इस प्रोजेक्ट में भी सेल्स अभी स्टार्ट नहीं हुई है, रेरा नंबर एक्सपेक्टेड है अभी, रेरा नंबर और बाकी सारे अप्रूवल्स कंपनी लगी हुई है और मुझे लगता है कि अप्रैल तक या मार्च या अप्रैल तक ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। पर्टिकुलर टाइमलाइन तो नहीं दी जा सकती क्योंकि बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट से अप्रूवल्स, अलग अलग डिपार्टमेंट से NOCs आनी होती हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइमलाइन नहीं शेयर कर सकता मैं, लेकिन मुझे लगता है मार्च से लेकर अप्रैल या बहुत वर्स्ट सिनेरियो 10-15 मई तक में प्रोजेक्ट आ जाना चाहिए। ये प्रोजेक्ट भी कोर इन्वेस्टर फ्रेंडली है क्योंकि इसी सेम लोकेशन पे एल्टिको इम्पीरिया के ऑलरेडी प्लॉट्स एंड विलास कंपनी ने सेल किए थे, जिसमें अगर हम प्लॉट का कॉस्ट निकाले तो लगभग 3,3200-3100 रुपए स्क्वायर फुट के आसपास का प्लॉट का कॉस्ट था,
प्लॉट बेचे नहीं है लेकिन जो विला बेचा है उस पर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चार्ज करी है कंपनी ने वो लगभग 2400 से 2500 चार्ज करी है। तो अगर एक 1055 स्क्वायर फुट के प्लॉट पे एक कमरा बन के जो एल्टिको इम्पीरिया में यूनिट कॉस्ट आ रही थी लगभग 48-49 लाख से स्टार्ट होती थी, इस हिसाब से लगभग 30 लाख का प्लॉट का कंपोनेंट हुआ और 15 से 16 लाख रुपए का आपका कंस्ट्रक्शन का कंपोनेंट हुआ। तो अगर इस हिसाब से देखें तो एल्डिको एम्पीरिया में 3000 से 3100 के रेट पे प्लॉट लॉन्च हुए हैं उसी सेम लोकेशन पे विद ऑल अप्रूवल्स। एक ग्रुप आ रहा है जो 2000 या 2100 रुपए स्क्वायर फुट के आसपास में लॉन्चिंग करेगा, तो ये भी एक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा एक जैकपॉट साबित हो सकता है। और कंपनी अपना एक प्रोजेक्ट, अपना एक पहचान बनाना चाह रही है, लाला जुगल किशोर एक बहुत रेनाउंड नेम है, तो ये भी एक प्लॉट का प्रोजेक्ट है जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी ब्रांड इन मेकिंग है, अभी कोई इस तरीके का कोई बड़ा डेवलपमेंट आज तक कभी कुछ किया नहीं है, तो कॉशियस होकर चलना पड़ेगा। सारी चीजें समझने के बाद ही हमको आगे मूव करना पड़ेगा। कोई भी अगर हम बुकिंग कराते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, तो हम रेरा का जो 10% जैसा रेरा कहता है कि आफ्टर पेइंग 10% आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जरूर कराएं, बिकॉज उसमें आप अपने रिस्क कंपोनेंट को ऑलमोस्ट जीरो कर लेते हैं। और जब आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराते हैं तो आपका जो आपने जो परचेज किया है जिसमें पोजीशन टाइमलाइन है या अगर प्रोजेक्ट नहीं बना तो क्या प्रॉब्लम आएगा, तो आप बहुत ज्यादा अपने आप को सिक्योर कर लेते हो। तो ये सारी चीजें इन सारे प्रोजेक्ट्स में आपको करानी चाहिए, क्योंकि रिस्क कंपोनेंट आपका जीरो हो जाएगा और रेरा के हिसाब से, रूल के हिसाब से बिल्डर बहुत सेफ हो जाता है, बिल्डर भी सेफ हो जाता है और कस्टमर भी सेफ हो जाता है इस पार्ट पे। तो लाला जुगल किशोर का जो टिकट साइज होगा वो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है अगर 1200 स्क्वायर फुट का प्लॉट पकड़े तो 26-27 लाख से शुरू होगा और 45-50 लाख रुपीज की रेंज में स्टार्टिंग है जाएगा। और बाद में जो रेट्स हैं, मुझे लगता है ये कंपनी इसका रेट 3000 या 3100 तक टच करेगी, जैसे जैसे ये बिकता जाएगा रेट्स इसमें रिवाइज होते जाएंगे टाइम द टाइम। तो जो भी इन्वेस्टर अच्छे टाइम पे एंट्री लेंगे उनको एक साल सवा साल में ही रिटर्न मिलने दिखने शुरू हो जाएंगे, इनफैक्ट 6-8 महीने में ही रिटर्न दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ, लालच मतलब इन्वेस्टर के लिए है, लेकिन सारी चीजें देखने के बाद, सारे अप्रूवल्स देखने के बाद, सारी चीजों को समझने के बाद ही आगे मूव करें। और ये चार प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें से दो एंड यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं और दो इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। तो अब यह आपको देखना है कि किस प्रोजेक्ट में आपका रिक्वायरमेंट सूट करता है। और आने वाले वीडियो में एक हम बात कर रहे हैं, जो भी आज के टाइम पे लॉन्चेस हो रही है वो काफी इन्फ्लेटेड प्राइस पे हो रही है, मतलब बड़े हुए प्राइसेस पे हो रही है। ऐसा क्यों अचानक से होना शुरू हुआ है लखनऊ में अभी, स्पेशली प्लॉट्स एंड विलास के प्रोजेक्ट पे? और एज अ स्मार्ट कस्टमर, एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर हमको क्या करना चाहिए, इस वीडियो पे हम अगले आने वाले एक लगभग 1.5-2 हफ्ते में एक वीडियो शेड्यूल्ड है जो अपलोड होगा, उस वीडियो में आपको एक आइडिया लगेगा हमारा क्या मूव होना चाहिए। मुझे लग रहा है इस तरीके से आपको एक अपडेट भी मिल गया होगा कि कौन से प्लॉट्स के प्रोजेक्ट हैं, क्या हमको करना चाहिए, किस तरीके से हमको आगे जाना चाहिए और अगर ऐसे ब्रांड्स के साथ जाना है तो अपने आप को कैसे सेफ रखना चाहिए। इस तरीके से ये वीडियो मुझे लगता है आपके लिए काम का होगा, आपको हेल्पफुल रहेगा। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को फॉलो करें, वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल के कंटेंट को अगर पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें। टीम अमन चावला की प्रोफाइल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह प्लीज फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच।